हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स किंग। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास नाइन्थ मोशन चैप्टर वन, जो कि क्लास नाइन्थ का है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया गया है। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी लाभदायक होगी जो एनटीएससी और आईटीजेई की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने पार्ट वन भी बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। लेकिन अभी पार्ट टू करते हैं और इसमें हम देखेंगे फुल कंसेप्ट के साथ। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कंसेप्ट जो है हमारे सामने वो है एक्सेलरेशन। पिछली वीडियो में हमने वेलोसिटी और डिस्टेंस, स्पीड वगैरह सब कुछ पढ़ लिया था, डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है क्या एक्सेलरेशन वगैरह। तो सबसे पहले, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों, एक्सेलरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, यानी जब वेलोसिटी में अगर चेंज होता है तब वो एक्सेलरेशन कहा जाता है। यानी अगर हम चल रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, सॉरी वेलोसिटी से, स्पीड तो नहीं कहेंगे, वेलोसिटी से, और हम 2 सेकंड के बाद जो है हमारी स्पीड पता चल सॉरी वेलोसिटी पता चली कि 10 मीटर पर सेकंड हो गई, यानी 2 सेकंड पहले हम 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे थे और 2 सेकंड बाद हम 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहे हैं। इसका मतलब चेंज आया वेलोसिटी में, और वो भी कितने टाइम में आया है, 2 सेकंड में आया है। इसका मतलब एक्सेलरेशन हमको पता चल सकता है, और उसके लिए हमें फॉर्मूला दिया गया है फिजिक्स में। तो और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी का यूज़ हो रहा है, और वेलोसिटी क्या है हमारी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये मैंने अपने पार्ट वन में बताया था, क्लास नाइन्थ के पार्ट वन में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल हम इस पर लौटते हैं। जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, जो कि ऐसा यूनिट हम लेते हैं जनरली, तो ऐसा यूनिट क्या होती है, वो होती है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जस्ट लाइक दैट, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये होती है वो यूनिट। अब हम बात करते हैं इसका फॉर्मूला क्या। जैसा कि मैंने दोस्तों बताया था कि चेंज इन वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी यानी वी माइनस यू, और वी क्या है यहाँ पे, v है अपनी फाइनल वेलोसिटी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, v इज फाइनल वेलोसिटी एंड u इज इनिशियल वेलोसिटी। v इज फाइनल वेलोसिटी एंड u इज इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब v जो है वो पॉजिटिव, मतलब बड़ा होना चाहिए, और जो u है वो छोटा होना चाहिए। इसका अगर ऐसा होता है कि अगर v जो है बड़ा होता है और u यानी इनिशियल वेलोसिटी छोटी होती है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुई है। ये आपको पहली बार में समझ नहीं आ सकता है, लेकिन आप जैसे जैसे इसको प्रैक्टिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने फॉर्मूला है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा, क्योंकि ये आने वाले जो कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत यूज़फुल होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब है हम इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन की बात करते हैं, यानी इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो ये जो है ये चैप्टर इसी के आसपास घूमता है, और इसको हमें बड़ी इम्पोर्टेंस देनी है। ये बोर्ड के जो एग्ज़ाम है इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और ये एनटीएससी में भी मोशन जो चैप्टर है वो बहुत ही उसका वो रहता है, वेटेज रहता है। तो इसका मतलब हमें इसमें इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी और ध्यान भी देना पड़ेगा। इसलिए चलते हैं इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या है, यहाँ पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इसलिए कह रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगी, यानी वेरिएबल एक्सेलरेशन, यानी कि अगर एक्सेलरेशन बदल रही है, यानी बदल रही है सेकंड हर टाइम पे रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम अगर एक्सेलरेशन बदल रही है, तो ये इक्वेशन काम नहीं करेंगी। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी पर सेकंड के हिसाब से, जैसे हम लेते हैं पर सेकंड के हिसाब से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अभी थी 1 सेकंड पहले, उसके बाद 1 सेकंड बाद जो है 10 मीटर पर सेकंड हुई, फिर थर्ड सेकंड पे क्या हुआ 15 मीटर पर सेकंड हुई, फिर फोर्थ सेकंड पे क्या हुआ 20 मीटर पर सेकंड हुई, और ऐसे करते 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 कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकंड और अपॉन हम टाइम रख देंगे जितने टाइम में ये निकल रहा है, तो हमारे सामने जो है एक्सेलरेशन आ जाएगी। इसलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का यहाँ पर दिया गया है। अगर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये जो इक्वेशन, जो 3 इक्वेशन हमारे सामने हैं, वो बिल्कुल भी काम की नहीं है। तो आपको क्वेश्चन करते समय ये बात का बहुत बेहद ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर
हम इन इक्वेशंस को लगा रहे हैं तो जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म ही रहे, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। फर्स्ट इक्वेशन मोशन ऑफ आपके सामने है, ये जो इक्वेशन है किससे बनी, मैं इसको डिराइव करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो डिराइव कैसे करेंगे, अभी हमने देखा था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, वी माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू ए, यानी एक्सेलरेशन। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे। क्या लिखा हुआ है, वी माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो अब हमें क्या कर सकते हैं कि वी माइनस यू, मैं टी को उस साइड ले जा रहा हूँ और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए से, तो ये इक्वेशन बन चुकी है। और वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यू को हम उस साइड ले गए इक्वल टू के साइन, इक्वल टू जो साइन है उसके उस पार ले गए, तो ये हो गया प्लस का साइन हो गया। ये बेसिक मैथमेटिक्स है दोस्तों, अगर आपको समझ आती है तो बहुत ही ईजी है, इसको समझ में तो आना ही चाहिए। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो चुकी है, बड़ी सिंपल इक्वेशन है। तो आप इसको इक्वेशन को डिराइव कैसे कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, पहले इस इक्वेशन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इक्वेशन है जो हमने डिराइव कर दिखाई है, अगले ही पेज पर इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी जो है डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ होता है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशन भी कह सकते हैं, जनरली इसी के लिए यूज़ होता है ये इक्वेशन। चलिए देखते हैं ये क्या चीज़ है। ये जो है, ये है डिस्प्लेसमेंट आपका, आप डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, डिस्टेंस कह लीजिए, क्योंकि ये हम जो है इसको इस चैप्टर में 1D मोशन करेंगे, यानी स्ट्रेट लाइन पे मोशन करेंगे, इसलिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है इज इक्वल्स टू डिस्टेंस हो जाएगा, इसलिए हम इसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कह सकते हैं। इसके बाद जो UT है, U यहाँ पे है इनिशियल वेलोसिटी, और ये जो T है वो है टाइम। सबको समझ में आ गया। A जो है वो है हमारा एक्सेलरेशन, और T जो है वो हमको सब पता है टाइम है, ओके। अब इसको जो है डिराइव करने का मौका आ गया, वक्त आ गया है, इसको डिराइव करते हैं। सबसे पहले डिराइव करने से पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है एस अपॉन टी, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और दूसरा फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एस अपॉन टी इज इक्वल्स टू वी प्लस यू टी, ओके। अब क्या है, हम इसमें v का पार्ट है जो हमने पहले निकाला था इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन जो थी ये, क्या हम इसका यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। हम जरा एक बार देख लीजिए, v के इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम। तो इसी का यूज़ हम इसको डिराइव करने के लिए निकालेंगे, s अपॉन t इज इक्वल्स टू v की जगह हम जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसको लेकेंगे, यानी u प्लस ए टी प्लस यू अपॉन टी। अब इसको क्या करेंगे, इसको एक काम कर सकते हैं कि जो है एस अपॉन टी, इसको हम कर सकते हैं, सॉरी गलती हो गई मुझसे, एक गलती हो चुकी है यहाँ पे मेरी, ये जो टी है ये टी नहीं होगा यहाँ पे बल्कि 2 होगा, सॉरी इसके लिए यहाँ पे होगा 2, इसका मतलब यहाँ पे भी होगा, इधर 2 होगा और इधर भी 2 ही होगा, ओके। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसके सामने, s अपॉन t और ये जो u है ये प्लस हो जाएंगे, क्या हो जाएगा उसके बाद 2u प्लस ए टी और अपॉन 2। अब क्या होगा, अब एक काम करेंगे 2 से इसको काट देंगे और हमारे सामने बचेगा ए टी अपॉन 2, ओके। एक बार मैं इसे काट के देखता हूँ, ये जो है आपका ऐसा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से इक्वेशन बनेगी, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, u प्लस ए टी अपॉन 2, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी बनेगी। अब क्या करेंगे, t को उस साइड ले जाएंगे तो हमारा बनेगा यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। तो इक्वेशन आपके सामने दोस्तों वेरीफाई डिराइव हो चुकी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आता होगी, ठीक है। एक और बार मैं समझा के देखता हूँ जरा आपको,
कि जो s अपॉन t है ये एवरेज वेलोसिटी है और ये भी एवरेज वेलोसिटी है, मैंने फार्मूला बता दिया है। तो क्या हम इसको इक्वल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसी के साथ हमने इसको इक्वल करा, उसके बाद क्या किया, जो v की वैल्यू है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने इसको डाली, इधर पुट किए और उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के बाद आपका ये जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है। अब चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के। हाँ, तो ये है आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको करेंगे v इक्वल टू, यहाँ पे जो v है वो है फाइनल वेलोसिटी और ये जो u है वो है इनिशियल वेलोसिटी। ओके, और ये 2 जो है और ये a है एक्सेलरेशन और ये है डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो है इसका हम डिराइव करेंगे, उसको कैसे करेंगे। सबसे पहले जैसे हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए किया गया था कि ये जो है एवरेज वेलोसिटी का लेकर हम करेंगे डिराइव। तो सबसे पहले तो लेते हैं s अपॉन t इज इक्वल्स टू v प्लस u अपॉन 2। ओके, हाँ, अब क्या करेंगे, s इज इक्वल्स टू u प्लस v अपॉन 2 मल्टीप्लाई t करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे कि जो t की वैल्यू है हम कुछ और रखेंगे। क्या रखेंगे, एक बार देखते हैं क्या रखेंगे। हमने देखा था कि a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t था, है ना। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि t को a की जगह ले जाएं और a को यहाँ पे ले जाएं, क्या ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, एक बार करके देखते हैं। t इज इक्वल्स टू a हो जाएगा, v माइनस u अपॉन a। तो इसी को हम इस इधर पुट करके देखेंगे, जरा इसको फर्दर सोल्व करेंगे। s इज इक्वल्स टू v प्लस u अपॉन 2 मल्टीप्लाई v माइनस u अपॉन a। अब इसको हमको पता है क्या होगा, ये होगा हमारा v स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, क्योंकि ये जो है जरा आप देख ही सकते हैं मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा। इक्वेशन है हमारी जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। ये मैथमेटिक्स में है, बेसिक मैथमेटिक्स है तो आपको सबको पता होगा। उसके बाद इसको जब हम ऐसा करते हैं तो ये आपका सॉल्व हो चुका है, बस एक स्क्वायर की ज़रूरत है। इसको जो है मतलब टू ए जो है उसको इस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा टू ए एस और ये हमारा हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस। ओके, तो ये फार्मूला भी आपका डिराइव हो चुका है, यानी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव हो चुका है। इसी के साथ ये पूरी वीडियो ख़त्म होती हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट पूरा समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।